मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, लेकिन 29 अगस्त को हवाई दौरे के दौरान सीएम शिवराज का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। सीएम शिवराज की माने तो शनिवार जब राज्य का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में घिर गया था तो उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर बादलों के बीच पहुंचा सब कुछ दिखना बंद हो गया। इतना ही नहीं, तेज बारिश के बीच कुछ बादलों से निकलने वाली बिजली की तरंगे हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट ने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को जमीन पर लैंड करा दिया। सीएम शिवराज ने इसके लिए अपने दोनों पायलटों का धन्यवाद भी किया। क्योंकि हमारे भी दो पायलट हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आदर्श और संजय श्रीवास्तव। परसों मैंने कहा चलो, तो वो चल दिए और चलते चलते फिर ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं सिवाय बादलों के और पानी के कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। नर्मदा जी के ऊपर पहुंच भी गए, सोचा था कि एक बार देखेंगे, लेकिन इतने लो क्लाउड्स थे कि ना नीचे कुछ दिखाई दे रहा था, ना ऊपर कुछ दिखाई दे रहा था, ना दाएं ना बाएं। और मुझे लगा कि डिसीजन गलत था, खुद तो खुद लेकिन बाकी को भी रिस्क में डालना, उनके भी परिवार उचित नहीं है। लेकिन बड़ी कुशलता से उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि कई बार बादलों का समूह ऐसा होता है जिनमें करंट होता है और वो फिर खींचते हैं, तो हेलीकॉप्टर के पंखे तक वैसी परिस्थिति में डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं। फिर मैंने नीचे उतर कहा कि मना क्यों नहीं किया उन्होंने कहा कि आपने कह दिया था, तो मैंने उनको ये निर्देश दिया कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो मुझे भी मना कर दिया करो तो उन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कल भी पूरे इलाके में हम लोगों ने भ्रमण किया जहाँ बाढ़ का पानी भरा था, लेकिन परसों बड़ी कठिनाई। शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ ही रेस्क्यू में लगे सेना के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।